हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे, चंगे होगे और अपने अपने घरों में खुश होगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एलोवेरा जेल के बारे में कि कौन सा एलोवेरा जेल आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। वैसे तो आपने देखा होगा कि आजकल हर ब्यूटी प्रोडक्ट में एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जो एलोवेरा जेल होता है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ मैंने लिया है पतंजलि का एलोवेरा जेल और मैं बताऊँगी कि क्या ये जेल हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है या फिर कोई और एलोवेरा जेल हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपने चेहरे पे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने लिया है पतंजलि का एलोवेरा जेल और इसमें जो है 90% जो है एलोवेरा जेल है, लेकिन इसमें जो 10% है वो मिलावट है, यानी कि इसको लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए 10% मिलावट की गई है। यानी कि जब भी आप मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हो तो कुछ ना कुछ उसमें तो ऐसी चीज़ें मिली होती हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं होती है। वैसे ये जो एलोवेरा जेल है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और ये दावा भी करता है कि आपके पिंपल्स को, रिंकल्स को, साथ में आपके ड्राइनेस स्किन को, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाता है। इसमें एक चीज़ और लिखी गई है कि आप अगर इसे रात को सोते वक्त एक लेयर लगा के रोज़ सोएं तो आपका चेहरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोई होगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि इसमें 10% मिलावट है, यानी कि जो इसका कलर है आप देख सकते हो खुद ही कि ये ग्रीन कलर है, जबकि एलोवेरा अगर आपने देखा होगा तो एलोवेरा ग्रीन नहीं होता है, यानी कि इसमें कलर भी मिक्स है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपके लिए जो है घर का जो आप पेड़ पे उगा कर मेरा जल जो निकालते हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ये शुद्ध होता है, इसमें कोई चीज़ मिलावट नहीं होती। मैं पतंजलि एलोवेरा जेल की बात कर रही हूँ कि वो ख़राब नहीं है, बट अगर आपको अगर यूज करना है एलोवेरा जेल तो आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप घर का, मतलब घर के उगाए पेड़ से एलोवेरा जेल का यूज करें। इसको निकालना बहुत ही आसान होता है और ये घर का होता है इसलिए ये आपको नुकसान भी नहीं करता है। यहाँ आप देख सकते हो कि एलोवेरा से ये जो पीला पीला पदार्थ निकला है इसको अपने स्किन पे नहीं लगाना है आपको, इसको अवॉइड करना है। जब भी आप एलोवेरा जेल निकालें तो इस पीले वाले भाग को आपको अपने चेहरे पे नहीं लगाना है, क्योंकि इससे क्या होता है थोड़ी सी इचिंग होती है, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। और अगर आपको इन सब चीज़ों में झंझट लगता है, लगता है कि नहीं कौन करे, इसको काटे, इसको निकाले और फिर अपने चेहरे पे आए, तो इससे अच्छा है कि हम मार्केट से खरीद लें। तो जब मार्केट से आप खरीदते हो तो कोशिश करो कि आप एकदम ऑर्गेनिक 100% एलोवेरा जेल जो है वो लो। तो गाइज, ऐसा नहीं है कि ये वाला जो एलोवेरा जेल है ये वर्क नहीं करता, ये वर्क करता है, इसे मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, बट ये कम मैं करती हूँ जब बहुत ज़्यादा मुझे जल्दबाजी होती है, मैं इस वाले जेल को नहीं निकाल पाती या फिर कोई ऐसी जगह गई हूँ जहाँ ये मुझे नहीं मिल रहा है, तब मैं इस वाले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करती हूँ। तो बस गाइज, मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि जितना हो सके इस वाले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करिए, और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तब आप ऑर्गेनिक जो आते हैं एलोवेरा जेल, मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध हैं 100% शुद्ध एलोवेरा जेल, तो उसे आप यूज करें जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। आप इसको देख सकते हो कि ये ग्रीन है, जो शुद्ध एलोवेरा जेल होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनको लीजिए और वो फेस पे अप्लाई कीजिए। एलोवेरा जेल में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो आपके चेहरे के दाग धब्बों को मिटाते हैं, साथ में अगर आप इसे खाते हो तो आपके खून को ये साफ करता है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन इसको सही से इस्तेमाल किया जाए तब। तो गाइज, आप भी जितना हो सके ऑर्गेनिक जो एलोवेरा जेल है उसका इस्तेमाल कीजिए और अपने घर में एलोवेरा लगाइए, जिससे कि आपको इसका 100% रिजल्ट मिल सके। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, अगर लगे कि इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल रहा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, अभी के लिए बाय बाय और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय गाइस।